जोधपुर में दलित समाज की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। क्या हुई थी पूरी घटना, देखिए इस वीडियो में। जय राम, वंदे मातरम, जय भीम। अभी हम उम्मेद हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, रात को 12:30 बज गए। आज अपने जोधपुर जिले में बालेश्वर पंचायत समिति मतलब बालेश्वर थाने के अंतर्गत एक उट्टामपुर गाँव आता है, वहाँ पे अपने एक दलित समाज मेघवाल समाज की बच्ची है, उस बच्ची के साथ 3-4 लोगों ने दुष्कर्म किया है और वो जाट समाज के कमीने हैं। ऐसे कमीनों को फांसी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं पुलिस से पुलिस एनकाउंटर करते ऐसे कुत्तों का, तो भी कोई गम नहीं है। इन लोगों ने बहुत सारा मतलब इतना जघन्य अपराध किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बच्ची को जो लड़का था ये जाट समाज का, उसने अपने सोने चांदी ज्वेलरी की दुकान थी और उस बच्ची को दुकान के अंदर बुलाया और 3-4 लोग साथ में बैठ के बाहर से शटर बंद करके बच्ची को शराब पिलाई जबरदस्ती और उसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची को अभी उम्मीद हॉस्पिटल लेके आए हैं, हॉस्पिटल के अंदर है और पुलिस प्रशासन 1-2 जनों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी भी कर रही है, लेकिन हम लोग बैठे हैं, मुकदमा दर्ज हो जाए उसके बाद में तमाम जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें। हमारे पास BMRP के ये संभाग प्रमुख है आनंद पाल जी, वो बैठे हैं, तो हम चाहेंगे उनसे भी कि वो भी अपने विचार रखें, उसके बाद में किसी जैसे बात करेंगे। मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस मामले को संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से मुजरिमों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम सुबह सभी साथी 10 बजे यहाँ उम्मीद हॉस्पिटल इकट्ठा होंगे। यहाँ से इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट तक चलेंगे और गहलोत सरकार को बताना चाहता हूँ कि जितने SC ST के ऊपर अत्याचार आपकी सरकार में बढ़े हैं, शायद पिछली सरकार में नहीं हुए थे। गहलोत जी, आप कान खोल के सुन लो, नहीं तो बस बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो कि अब आपका अंतिम समय आ गए हैं कि आप मुख्यमंत्री सिर्फ SC ST और माइनॉरिटी और OBC के वोटों से ही बने हैं। भाई हत्यारे और ये दुष्कर्मी होते हैं, इनकी अपराधियों में कोई जात नहीं होती है। और जो बच्ची है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि बच्ची के पिताजी भी नहीं है और माँ है वो, मतलब पिताजी नहीं होने की वजह से नाते चली गई, तो एक बच्ची मतलब अनाथ की तरह है और नाबालिग है, मात्र 15 साल के अंदर है, 14-15 साल की। उस बच्ची के साथ 3-3, 4-4 दरिंदों ने मिलकर बलात्कार किया है, तो वैसे लोगों को सजा होनी चाहिए। अब हम चाहेंगे कि भाई साहब से आप भी इसके बारे में विस्तृत बताओ, आप एक युवा है और समाज के अंदर को साथियों जो मंजू के साथ ये घटनाक्रम उट्टामपुर गांव की जो है, जो बाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर भाई साहब ने जो बताया है, इस बच्ची को उम्मीद हॉस्पिटल के अंदर में आने से तुरंत बच्ची को मिलके आया था। बच्ची की कंडीशन देख के हमें अच्छा लगा, इस अपराधियों ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, बच्ची की कंडीशन देख कर हमें ऐसा लग रहा है। और साथ ही मैं ये राज्य गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन दलित जो SOTC बढ़ रही है, ये मामला अभी जो कुछ दिनों पहले हमारे जोधपुर CM साहब के गृह क्षेत्र के अंदर एक 3 साल के बच्चों को एक कुछ नशेड़ी लोग पैसों के लालच में उसकी दुर्गी जो हत्या कर दी गई थी। और सेकेंड घटना जो पाली के अंदर हुई है, एक गर्भवती महिला को कुछ दबंगों ने खुलेआम महिला ने धमकी देके उनको और एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र 60 साल जिसको बेरहमी से खुल्ला पीटा जा रहा है और इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही थी। वो दिन एक हफ्ते से लगातार अपने रोहित थाने के वो चक्कर काट रहे थे कि हमारे साथ ये घटना घट सकती है, हमारे साथ ये घटना घट सकती है, उनको अवगत बार बार कराया गया था, फिर भी ये राज्य गवर्नमेंट राजस्थान पुलिस प्रशासन जो लापरवाही बरता रही है। आज का जो वरिष्ठ जो मामला विशेष मामला जो ये बहन मंजू के साथ तो जो हुआ था, घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है, उसके नाम लेडीज कांस्टेबल साथ में नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग घर वालों ने बताया था कि लेडीज कांस्टेबल को बुलाया जाए और विशेष उन्होंने बोला था मेरी फैमिली को लेडीज को लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन पुलिस वाला ने मुझे डरा धमका कर, पुलिस वाले जो जेंट्स कांस्टेबल एक हेड साहब का मैं नाम नहीं जानता, वो लोग उन्होंने जबरी नहीं हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अभी बच्ची की कंडीशन बहुत गंभीर है, बच्ची का उपचार चल रहा है और FR हम लोगों ने जो समाज के तमाम वरिष्ठ सेवा वे या शिवसेना से जो भी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कल सभी साथियों को भारी तादाद के अंदर एक बार उम्मीद हॉस्पिटल एमरजेंसी गेट के बाहर यहाँ से कलेक्टर को राजस्थान गवर्नमेंट CM साहब को हम ज्ञापन देंगे, तो सभी साथी 10 बजे कलेक्टर के बाहर पहुंचने का कष्ट करें। जय भीम साथियों, धन्यवाद। बताओ जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य।
ग्राम पंचायत उटंबर पहला कहीं करियो छोरो जी नहीं बताओ दो। ये बाले से थाना का मामला है उटंबर ग्राम पंचायत का। ये जो घटना हुई है उसमें जो दो अपराधी है, एक अपराधी ने तो इससे पहले कई बार घटना की है जिसके खिलाफ अपहरण, लूट, हत्या का प्रयास और धारा 376 में भी इसका चालान पेश हुआ है। फिर भी ऐसे दरिंदों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे गांव में माहौल खराब कर रहे हैं, रोज अपीम इसमें की घटनाएं करवाते हैं और आए दिन मार्केट में माहौल खराब कर रहे हैं। और जो ये आज घटना हुई है ये सरेआम खुले आम मार्केट में हुई है। जो ज्वेलर्स की दुकान है जो मार्केट में ही होती है, आप सभी को भी पता है कोई डाणियों में तो होती नहीं है, मार्केट के अंदर उस बच्ची को कैसे दुकान पर लेके गई, कैसे उसके साथ इस टाइप की घटना की है, ये तो ऊपर वाले को या उस बच्चों को उस बच्चे को पता है, लेकिन बहुत गलत हरकत की है। ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पुलिस से मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें। और भाई राजस्थान में अशोक गहलोत का राज नहीं, ये जंगल राज है। थाने के अंदर महिला का बलात्कार हो रहा है, हॉस्पिटलों में महिला के बलात्कार हो रहे हैं, सोने ये ज्वेलरी की दुकान में कई वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, प्लॉट पे जाके महिलाओं को पीटा जा रहा है। महिला नाम की मतलब अब अशोक जी की उम्र हो गई, इनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के दो दो पद नहीं संभल रहे हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, अब इनके वयोवृद्ध हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जितने भी भाई बैठे हैं, और ये जाति वाति वाली बात ही नहीं है, जो हत्यारा होता है कुत्ते होते हैं उनको हम तो पुलिस से चाहते हैं आंध्रा की तर्ज पे उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे कलंक है जो मुंह पे, अभी प्रेम जी वहाँ पे पंचायत समिति सदस्य है जाकर, तो इन्होंने बताया पहले भी इसका 376 में चलान हुआ था, या तो पुलिस ने ढंग से चलान नहीं किया, जमानत कैसे मिल गई। अगर ऐसे कुत्ते जेल में पड़े रहेंगे ना तब इनका इलाज होगा। तो भाइयों सुबह 10 बजे जो आनंद सुबह 10 बजे पधारे और इस बहन को न्याय दिलाए, इनके ना माँ है ना बाप है, परिवार वाले पाल रहे हैं, इस बच्ची के लिए एक फाउंडेशन बना के कुछ आर्थिक सहयोग के लिए भी मुहिम चलाए। और ये जरूर नहीं है कि आनंद पाल जी चलाए, किशन चलाए, प्रेम जी, कोई भी भाई हो जितना हो, इस बच्ची के लिए सहयोग के लिए आप अपने स्तर पे मुहिम चलाए और इसको सहयोग प्रदान करें ताकि इसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। जय भीम, जय श्री राम, वंदे मातरम।